खोखा यूनियन हमीरपुर द्वारा खोखों को हटाने के विरोध में एसडीएम के माध्यम से उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि बस स्टैंड के सामने बने खोखों के माध्यम से आपन परिवार पिछले 40 वर्षों से अपने अब अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। खोखे हटने व उनको उचित स्थान न मिलने के कारण इनका रोजगार व परिवार बुरी तरह से प्रभावित होगा। उन्होंने खोखे हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस को निरस्त करने की मांग की है। इसी के चलते खोखा धारकों ने सीटू के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए अपना ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा बस स्टैंड के पास सड़क मार्ग को डबल लेन करने के लिए खोखा धारकों को खेल स्टेडियम के पास बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित करने की योजना है, जिससे शहर का सड़क मार्ग खुला हो सके और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। खोखा धारक इस स्थान पर जाने के बजाय एक लाइन में एक समान दुकानें बनाकर उन्हें आवंटित करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से वहाँ पर अपना व्यापार, अपनी जीवन यापन जो है खोखों और दुकानों के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में वहाँ पर उनको एक नोटिस जारी हुआ है कि आपने खोखे जो है अपनी दुकानें जो है वो खाली कर दें और बुलडोजर फेरने की बात जो है वहाँ पर प्रशासन की तरफ से नोटिस जो है इस तरीके की कार्रवाई होने का वहाँ पर अंदेशा है। आज हम जनता खोखा यूनिट के माध्यम से भारतीय जनवादी नौजवान पार्टी वाईफाई और CITU के सहयोग से DC साहब के पास इस मांग को लेकर जा रहे हैं कि जितने भी जो परिवार हैं जारी किया है उस नोटिस को जो है तुरंत निरस्त किया जाए और जब तक जो है एक वैकल्पिक स्थान उनको नहीं मिलता जहां पर उनका कारोबार प्रभावित ना हो। अब ऐसा फरमान आ गया कि आपको यहां चौंका दिया जाएगा। हमारी मांग है कि हम यहां चौंकने को तैयार हैं, लेकिन जो पीछे हमारा 1998 में जो सरकार थी भाजपा सरकार, उसके टाइम में हमारे 50,000 रुपये जमा हुए थे। सरपंच के तहत दुकानें बन रही थी, हम वो बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो जो दुकानें थी वो जब सरकार चली गई, जब दूसरी सरकार आई तो उसने वो हमारे पैसे वापस कर दिए और वो मार्केट अधूरी रह गई। अतः हम चाहते हैं कि वो मार्केट दोबारा से बना दी जाए। PR TV के लिए हमीरपुर से पवन की रिपोर्ट।